उच्चशिक्षा विभाग एवं उत्कल विश्वविद्यालय मिलित उद्यम वर्तमान उत्कल विश्वविद्यालय परिसर में दुईदिनिया एक ओडिशा रिसर्च कॉन्क्लेव नामक 2021 नामक एक प्रोग्राम चलती कर्मशाला चलती आम कहीपर आपन को सीधा सड़क चित्र देखी जे कौली भाव में सब रिसर्च स्कॉलर मैंने पखापाखी विश्वविद्यालय 170 सामिल होती महाविद्यालय जो मैंने रिसर्च स्कॉलर अच्छा से मैंने आसी पहुंची कहीं ये दुईदिनिया सेमिनार समस्ते एटी उपस्थित रहिबे एवं पूरा तांकर 2 वर्ष 3 वर्ष जहाँ जहाँ स्ट्राटेजी आपणेइछंती बा ओडिशा रो जो रिसर्च स्कॉलर जो माने रहिछंती सेमाने केमती आगामी दिन रे एही प्रोजेक्ट मानुको जातीय स्तर रे पहुँचेबे सेमानकर जो लक्ष्य थिला ता आज समस्ते आसी पहुँचिछंती एवं गोटे गोटे प्रोजेक्ट समस्ते देखुछंती एही प्रोग्राम रे आज महामहिम राज्यपाल गणेशी लाल मध्ये उपस्थित थिले एवं एही प्रोजेक्ट को मध्ये बेस खुशी होइछंती ए प्रोजेक्ट माध्यम रे आमे सीधासळख कथा बा मैडम को सहित आम सहित देबलीला मैडम अच्छा जे रमादेवी महिला महाविद्यालय रे प्रोफेसर भाव कार्यरत मैडम जो प्रोजेक्ट आपण करिछंती प्रथमे जानिबापाई चाहिबे कौन से प्रोजेक्ट आ कौन तार विशेषत्व आम गोटे टेक्नोलोजी अच्छी आम कंप्यूटर साइंस रे सेटा को कहो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT जहाद्वारा एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट गोटे लिविंग ऑब्जेक्ट भलिबा आम डिटेक्ट करि परिबा तो आमे सेटा को यूज करलु आमर दृष्टिहीन व्यक्ति आ वयस्क व्यक्ति मानन को पई जेतेले से माने घरु बाहर को जानती से मानन को गोटे ह्यूमन सपोर्ट सब वेले दरकार आ से माने निजरे सिक्योरिटी पई बहुत चिंतित होवंती सामाजिक सुरक्षा पई तो आमे एई गोटे स्टिक बनेचू जडा गोटे स्मार्ट स्टिक एति पई ना ये गोटे पर्सन को गोटे मनीष भलिया हेल्प करि परिबो तो सी कौन कौन हेल्प करुच्छी एचिरे किथिटा फीचर अच्छी जोड़ा कि ऑब्स्टेकल डिटेक्ट कर जितने जड़े दृष्टिहीन व्यक्ति या नहींक जाऊँगी आगे जड़े आसला कि तले गोटे पशुपक्षी रहा गोटे पत्थर रहा तो ऑटोमेटिकली ये गोटे डिटेक्ट हम ये गोटे वाइब्रेसन हम सो सी जापर जो आगे किसी अच्छी मैडम दृष्टिहीन व्यक्ति मानी आप चिंता कले आज PhD स्कॉलर आप जो स्मार्ट स्टिकटा को कले ये केते दूर प्रभाव पकई पार कौन कौन ओके आसोसिएट प्रोफेसर क्षमा करेंगे जहाँ आप करते स्मार्ट स्टिक केते दूर फलप्रद हम कौन कौन फीचर्स रही हाँ ये मुझे कहली फर्स्ट रहा ऑब्स्टेकल डिटेक्टर जोड़ा कि आम बॉडी लेवल आ ग्राउंड लेवल ऑब्स्टेकल डिटेक्ट कर सो दैट सी आउ से सहित धक्का न होकर आग लेफ्ट राइट मूव करके आगे जापर देन मुझे जिते बाहर को जाऊँगी मोर लाइव लोकेशन गोटे दरकार मुझे कौन सी जगह किसी गोटे हेल्प नीड करो देह खराब है कि असुरक्षित मुझे मन कली ये गोटे बटन अच्छी या प्रेस कले इमिडियेटली मो मोबाइल को गोटे मेसेज आसो जो थे लिखा हाँ आई निड हेल्प एट दिस लोकेशन तो इमिडियेटली पुलिस किंबा कौन डाक्तरखाना किंबा मोर कौन रिलेटिव इमिडियेटली मो पाक से पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंची पारे पूर्व रजिस्ट्रेशन कर दरकार ना सेमती मैडम केमती कौन करहब कहीं जदि मुझे गोटे दृष्टिहीन व्यक्ति मुझे मो पाखे स्मार्ट स्टिक अच्छी पूर्व रजिस्ट्रेशन करवा दरकार कौ मैंने लाइव लोकेशन जापरेंगे कौन से विषय पूरा आम जेहेतु तो सामाजिक सुरक्षा दौचु आम चाहूँ जो समस्ते लोकेशन जानतु केवल मुझ चाहिए मोर निजर बंधु बांधव कि गोटे पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन तो से नंबर को मुझे रजिस्टर करदेवि मोर कोडिंग रे सो दैट से इमिडियेटली मोर गूगल मैप थ्रू में मो लोकेशन टी जापरि आ मत सुरक्षा देवाई पहुँची पारे मो पाखे कि मोर जदि चाहूँ रिलेटिव मैंने भी जानापी मु घर बाहर मुझे कौन कौ जगह पहुँचली कौ जगार रही किसी जानापी से लोकेशन बोली गोटे SMS पठेले मोबाइल को मोर लाइव लोकेशन टा आसीज मैडम ये जो स्मार्ट स्टिक को तैयारी करने आप कौन कौन जिनस विशेष आवश्यक करते केते दिन पर्यंत ये लगी रिसर्च रे कौन कौन मेथडोलोजी बेसी आपणई आम एर किसी बेस कम्प्लिकेटेड डिजाइन करेनु बहुत सिंपल डिजाइन करुच्छ सो दैट ये मास रे प्रोडक्शन हो पार ए आम 4-5 प्रकार सेंसर यूज करिचु आउ गोटे वीडियो कैमेरा यूज करिचु जोड़ा कि रेकर्डिंग कर मोर पर्सनल वीडियो सर्वेलांस गोटे भाइब्रेटर यूज करुच्छी जोड़ा मत कि गोटे जगह प्रॉब्लम है सेल्फ डिफेन्स काम दब किसी स्विचेस यूज करुच्छू किसी बैटरी यूज करुच्छू सो दैट मुझु बाहर मुझे 6 घंटा 8 घंटा बाहर बुलेली कंटिन्यूअसली मोर र आउ एटा को आमे फर्स्ट टाइम जेतेले कलु टेस्टिंग मेथड रे कलु तो सेतिबाय हमरो 7-8 हजार टंका खर्च होईछि किंतु जेतेबेले कोनोसी कंपनी को आमे ऑलरेडी इंडियन पेटेंट फाइल करिछु कंपनी को देले से माने मास्टे जेतेले प्रोड्यूस करिवे एटा 3-4 हजार टंका रु भी
କମ୍ରେ ଏଇଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କିଛି ଡେମୋ ଆପଣ କଲେଣି କି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ? କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଇଏ ଡେଲି ଟୁ ଡେଲି ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଇଏ ଲଗେଇବେ, କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ? ଆମେ ଏଇ ଡିଭାଇସ୍ଟି ଲାଷ୍ଟ 3 ମାସ ହେଲାଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛୁ ଜଣେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି, ସିଏ ତାକୁ କେମିତି ରାତିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ଟାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ କେମିତି ନିଜ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଉନି, ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟଟା ଆମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହୋଇକି ଆସିବ, ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଦେବୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ହିଁ ତାକୁ କମର୍ସିଆଲାଇଜ୍ କରିକି ଦେବେ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇଏ କେତେ ସୁହାଇବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? କାହିଁକି ନା ଏତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଏତେ ସମୟ ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସୁଛି, ପିଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଫାଇଲ୍ କରୁ, ସିଏ କହେ ଯେ ଏମିତିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଗରୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକି ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବ, କମ୍ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ସହଜ ସୁଲଭ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ନିହାତି ଆମେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟର ଆମର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପବ୍ଲିକଲି ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଦେବୁ, ୱିଥ୍ ପରମିସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମଶାଳାରେ ଆଜି ଦେବଲୀଳା ସ୍ୱାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆସୋସିଏଟ୍ ପ୍ରଫେସର ରମାଦେବୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ସେ ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ପୁରା ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ସେମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ସେଲ୍ଫ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନହୋଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାବରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟିକ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସେ ପୁରା ଦିନର ଯାହା ତାଙ୍କର କାମ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସୁବିଧା ସଳଖରେ ଇଏ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟିକ୍ ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସୁବିଧା ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତେବେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା ଇଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ସ୍ମାର୍ଟ ଷ୍ଟିକ୍ଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କେବେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ପରମିସନ୍ ଦେଉଛି ତେବେ ତାପରେ ଯାଇକି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ହୁଏତ ଇଏ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ଓଡ଼ିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସ୍କୋଲାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେବ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।